हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि बिज़नेस में सबसे ज़रूरी क्या है? बिज़नेस में सबसे ज़रूरी है लाइसेंस लेना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से लाइसेंस और परमिशंस की ज़रूरत है एक वेंडिंग मशीन बिज़नेस को चलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना आप किसी भी बिजनेस में कमाना शुरू नहीं कर सकते। लाइसेंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। ये आपको एक तरह से अकाउंटेबिलिटी देता है आराम से बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो आइए जानते हैं आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है एक वेंडिंग मशीन बिजनेस के लिए। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सर्टिफाइड बॉडी है जो हर एक बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस को लेना मैंडेटरी करती है। ये एक 14 डिजिट का नंबर होता है जो हर एक स्टेज पर ज़रूरी होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स। फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए FSSAI लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस लाइसेंस को आप 3 स्टेज में ले सकते हैं। पहली स्टेज है बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इस लाइसेंस का मिनिमम टर्नओवर 1 साल का और मैक्सिमम 5 साल तक का होता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, बिजनेस ऑनर की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस का नाम और एड्रेस, बिजनेस ऑनर का आधार कार्ड या फिर कोई आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल्स। दूसरा है स्टेट FSSAI रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट FSSAI रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इस लाइसेंस का मिनिमम टर्नओवर 1 साल और मैक्सिमम टर्नओवर 5 साल तक का होता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको इन सब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिजनेस प्रमिसेस का रेंटल एग्रीमेंट, बिजनेस ऑनर की आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फर्म रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड की कॉपी, पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन नंबर या शॉप रजिस्ट्रेशन नंबर। ग्राउंड वाटर के केस में आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक NOC लेकर भी देना पड़ता है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको MOA एंड AOA या फिर पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी देनी पड़ती है। इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत होती है। ट्रेड लाइसेंस, शॉप रजिस्ट्रेशन, पंचायत लाइसेंस, कॉरपोरेशन लाइसेंस, म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस और इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस और FSSAI डिक्लेरेशन की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है सेंट्रल FSSAI रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेंट्रल FSSAI रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। लाइसेंस का मिनिमम टर्नओवर 1 साल और मैक्सिमम टर्नओवर 5 साल तक का होता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिजनेस प्रमिसेस का रेंटल एग्रीमेंट, बिजनेस ऑनर का आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फर्म रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड की कॉपी या फिर अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं तो आपको MOA एंड AOA या फिर एक पार्टनरशिप डीड की कॉपी। ग्राउंड वाटर के केस में आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एक NOC लेकर भी देना पड़ता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए आपको IE कोड की ज़रूरत होती है। आपको एक कंसर्न पर्सन के नाम पे एक अथॉरिटी लेटर भी सबमिट करना होता है कंपनी के लेटर हेड पे, जो कि उस पर्सन को ऑथोराइज करता है FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए, और एंड में एक फूड कैटेगरी लिस्ट जो कि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होता है GST नंबर। इंडिया में हर एक बिजनेस के लिए GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक बिजनेस जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं उसमें टैक्स लगता है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है। GST नंबर का होना आपके बिजनेस को लीगल बनाता है और तभी आप GST इन्वॉइस इशू कर सकते हैं। GST ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर टैक्स कलेक्शन को आसान बना दिया है। इसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना होता है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में ट्रेड करना अलाउ करता है। ट्रेड लाइसेंस बिजनेस को आसान और हैसल फ्री बनाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। हमारे बारे में और जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vendify.in पर। दोस्तों, इस तरह का कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है
उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेंडीफाई हिंदी को। थैंक यू।